हरे कृष्णा। तो आज है मेरी छुट्टी और मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं जाऊंगी इस्कॉन टेम्पल। 2017 के बाद आज मैं इस्कॉन टेम्पल जा रही हूँ दिल्ली में। मतलब अलग अलग जगह पर मैं गई हूँ, बट दिल्ली में आज जा रही हूँ। और यहाँ पर सुबह सुबह मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी, और बहुत कोशिश कर रही हूँ ये बिंदी लगाने की, ये निकल ही नहीं रही है, और फाइनली बिंदी लग गई। और इसके बाद क्या, इसके बाद कुछ नहीं, मैं अपनी नज़र खुद ही उतारती हूँ। एंड दिल्ली में वैसे उतनी ठंड नहीं है, बट बाकी सब लोग काफ़ी सारा स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। और यहाँ पर मैंने लिए अपने लिए फ्रूट, जो कि मैं में खाऊंगी, और गट गट करके थोड़ा सा पानी पिया ताकि मुझे जो है डिहाइड्रेशन ना फील हो। और उसके बाद में मैं निकल पड़ी मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने के लिए। बट जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकली, मुझसे अपने रूम का लॉक नहीं लग रहा था बाहर से, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, बट भगवान ने भेजा है एक इंसान को, यानी कि सफाई वाले भैया आ गए और उन्होंने लॉक लगा के मुझे दिया। हालांकि उनसे भी बड़ी मुश्किल से लगा। उसके बाद मेरे यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है मेट्रो स्टेशन, वॉकिंग में जाऊँगी और ये खुद को फुल मिरर में देखने की मेरी नाकामयाब कोशिश। उसके बाद मैं आगे निकली स्टेयर से उतर के, मैं बहुत सीढ़ियाँ उतर ही चढ़ रही हूँ आजकल। और फिर सुबह सुबह रोज की तरह मैं पहुँच गई शिव मंदिर, शिव भगवान पे जल चढ़ा के मैंने खुद को भोग लगाने के लिए आ गई। और यहाँ पर ये है बिल्कुल हरा भरा जूस, और आप जितनी भी हेल्दी चीज़ें इमेजिन कर सकते हो ना किसी जूस में, वो सारी ही इसमें है। इसको मैं रोज पीती हूँ, यानी कि इसमें है गाजर, चुकंदर, टमाटर, आंवला, नींबू, अदरक, करेला, सब। उसके बाद पीने के बाद मैं आ गई हूँ मेहनत करने, यानी कि फिर से अब मेट्रो की सीढ़ियाँ को मैं चढ़ रही हूँ। और मेरे पास नहीं था मेट्रो कार्ड, तो वो बनवाया। उसके बाद अपनी रेलगाड़ी का हमने किया इंतज़ार, और यहाँ पर एक मॉन्क के पास में मुझे मिल गई जगह। हाँ भाई, किसने कहा दिल्ली हरी भरी नहीं है, देखो कितने सारे पेड़ है, पर हाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कोई पेड़ नहीं है। और फाइनली मैं यहाँ पर सांस ले पाई। इस्कॉन टेम्पल जब हम पहुँचते हैं तो एक पार्क में से निकल के पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचकर मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला। एंड फाइनली मुझे मेरा मंदिर दिख गया, मतलब हम सबका मंदिर दिख गया भाई। और यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ, बसेस की बसेस आ रखी थी, काफ़ी सारे लोग दर्शन करने आते हैं इस्कॉन टेम्पल में। और यहाँ से मैंने किया इस्कॉन टेम्पल के अंदर एंट्री, और जैसे ही हम आगे गए मैंने टोकन ले लिया अपने शूज़ को देने के बाद, और मैं चल पड़ी हरी बोल बोल के मंदिर की सीढ़ियों की तरफ। और यहाँ पर मुझे बड़े सुंदर फूल दिए, तो मैंने कहा चलिए भाई अब हम एक फूल भी ले लेते हैं भगवान जी के लिए। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ना यहाँ व्लॉग बनाने आए हुए थे, पर मैं उस इंटेंशन से हालांकि नहीं आई थी, बट दैट्स फाइन। चलो उसके बाद जब मैं मंदिर पहुँची, मैं बहुत ईजिली आगे चली गई, हालांकि काफ़ी भीड़ थी, मुझे आरती भी मिल गई। एंड देखो बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए थे दर्शन करने के लिए, एंड स्कूल के बच्चे भी आए थे भाई यहाँ पर। हमारे टीचर्स हमें कभी ऐसी जगह नहीं लेके जाते थे, आपके लेके जाते हैं तो मुझे बताना प्लीज़, या गए जाते थे क्या जब आप स्कूल जाते थे? हमारे टीचर्स ने ऐसा हमारे लिए कभी ही नहीं किया, तो आजकल टीचर्स अच्छे फिर मुझे लग गई थी भूख। एंड इस समय बजे हैं 1:30 दिन के, तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो यहाँ पर आकर मैंने देखा काफ़ी कुछ है इस्कॉन टेम्पल के अंदर की कैंटीन में खाने के लिए। एंड मैंने यहाँ पर लिया बोंडा, ये मैं पहली बार खा रही हूँ, एंड ये बस वैसे ही लगता है जैसे ब्रेड के पकौड़े या समोसा लगता है। एंड ये मैंने खाया, टेस्ट में ओके था, पर आलू थे, आलू मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट चलो फाइन, पेट में डालने के लिए ठीक था। एंड यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी जिसके अंदर बड़े अच्छा अच्छा सामान
सामान था यार, मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, पर मैंने सिर्फ दो चीज़ ली। एक तो तिलक मुझे चाहिए था चंदन का, और एक प्रतिमा भगवान जी की मैग्नेट वाली। और यहाँ पर मिरर में खुद को देखने की पूरा मेरी कोशिश, पर वो भी मैं खुद को अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ, हमारे यहाँ फुल मिरर नहीं है यहाँ पर। और फिर मैं शांति से यहाँ पर काफ़ी देर तक बैठी रही, और बैठने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिला। तो अगर आपको लगता है कि यार लाइफ में ना स्ट्रेस चल रहा है, या मन नहीं लग रहा है, या बहुत शोर शराबा हो गया है, तो कहीं पर आप भी ऐसे जाकर एकांत में बैठिए। और यहाँ पर सामने ये प्रभु जी धोती कुर्ता में सामने वाले को गीता जी देने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। फिर एक आंटी ने मुझे कहा आप चैंटिंग करेंगी, तो फिर मैंने कहा हाँ। फिर हम लोग इस रूम में गए, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के चैंट कर रहे थे। बीट बैट इन लोगों ने हमें दिया था। और यहाँ और अब बज चुके हैं शाम के 5, तो चलिए अब घर चलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।